हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। देखिए, क्यूट क्यूट सी शहनाज की क्यूट क्यूट सी वीडियो आई है और मेकअप चल रहा है, हेयर स्टाइलिस्ट बाल बना रहे हैं, तो शूट की तैयारी चल रही है, रेडी हो रही है। तो कब का है ये, क्या कुछ नया शूट हो रहा है, क्या चल रहा है भाई? रक्षाबंधन के तो बाद का है, आप समझ ही गए होंगे, वरदान के हाथ में राखियाँ बंधी हुई हैं भाई। पहले शूट के बारे में आपको अपडेट दे दूँगी। तो गाइस, शहनाज नेगेटिविटी को दूर करना चाहती हैं। जी हाँ, जो इतनी नेगेटिविटी हो रही है ना, जो नहीं होनी चाहिए। दिन ऐसा है, ऐसा था कि सबको बस ऐसा होता ना कि पीस शांति से रहना चाहिए और दुआएं करनी चाहिए, जो पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए, वो नहीं थी। बहुत नेगेटिविटी कर रहे थे काफ़ी सारे फैंस, मतलब ऐसे हैं, मैंने एक दो ट्वीट इस तरह के देखे कि मतलब भाइयात दो चार चलिए बता देती हूँ कि भाई हाँ आज तो पार्टी का दिन है, ये वो कर रहे हैं, और दूसरी साइड से आप सिद्धार्थ को याद कर रहे हैं, उन्हें पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, और आप शहनाज को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। तो मतलब क्या है, फिर क्या होता है, वो देते हैं तो फिर इधर से शुरू हो जाते हैं, और इधर से लोग जवाब देने के नाम पर वो भी हदें पार कर देते हैं। तो कम कोई नहीं है, और ऐसा नहीं है कि शहनाज के पास मतलब खबरें नहीं जाती हैं या वो नहीं देखती हैं क्या चल रहा है। वो तो खुद इतनी पॉजिटिव हैं कि उन जैसी सेलिब्रिटी आपने नहीं देखी होगी जो कभी भी नेगेटिविटी पर कुछ नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा होता है, जहाँ ढेर सारे लोग इतना प्यार करते हैं तो वहाँ जलने वाले लोग और नेगेटिव लोग आ ही जाते हैं। वरना मैं आपको बता दूँ, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हैं, उनके लिए इतना प्यार करते हैं फैंस, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनको बहुत मतलब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक दो अगर नेगेटिव कमेंट भी मिल जाएंगे ना, कहीं उनके फिगर को लेकर, कहीं कुछ लेकर, तो एकदम से चढ़ पड़ते हैं। ठीक है स्टैंड लेना, और भाई आपको कोई गलत बोल रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जब आप सोशल मीडिया पर हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हैं, जब इतने लोग तारीफ़ें करने वाले हैं, क्या आप उनको हर एक को अलग से थैंक यू बोलते हैं, हर एक का अलग से रिप्लाई करते हैं? हाँ, इसने मेरे लिए इतना अच्छा रिप्लाई किया, इस फैन ने मेरे लिए ये किया, इस फैन ने मेरे लिए वो किया, वो डालते हैं स्टोरीज़ में, तो फिर नेगेटिविटी को इतना हाईलाइट क्यों करते हैं? शहनाज जैसा कोई नहीं है सच में। एक बात और, शहनाज ने सिद्धार्थ के बर्थडे पर पोस्ट किया था ना, याद है ना, तो वो नेगेटिविटी से वहाँ नहीं डरती है सिद्धार्थ के लिए कि वो कोई उन्हें उल्टा सीधा बोलेगा या इसलिए पोस्ट नहीं करती। वो दरअसल इस दिन को मतलब ऐसे होता है ना कि इंसान की पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों को, अच्छी यादों को ही साथ रखें, उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजें ना। तो इस दिन उन्होंने कुछ कभी सिद्धार्थ से रिलेटेड इस तरह से पोस्ट किया है, और ना ही वो कभी करेंगी। जब सिद्धार्थ की माँ तक कभी एक आंसू नहीं दिखाती कि वो कहती हैं कि पॉजिटिव वाइब्स भेजो, क्योंकि बीके का रूल है कि जो जाता है ऐसी आत्मा को पॉजिटिव वाइब्स भेजनी चाहिए, वो दुखी ना हो कि उसके चाहने वाले वहाँ दुखी हैं, उसको मतलब खुशी खुशी याद करो। सलाम है शहनाज की पॉजिटिविटी को।